हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो नया नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें नाबार्ड का नोटिफिकेशन है और नाबार्ड ने ग्रुप सी की पोस्ट के लिए आवेदन मांगे हुए हैं जिसमें टोटल 73 सीट है, जर्नल की 48 सीट है, ओबीसी 13, ईडब्ल्यूएस के कोटे में 2 सीट है, एससी एसटी के लिए 1 और 9 सीट्स हैं। टोटल 73 पोस्ट हैं। इसमें एलिजिबिलिटी जो मांगी गई है वो 10th मांगी गई है, मतलब हाई स्कूल पास होना चाहिए। और नोट करके लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स पॉजेसिंग ग्रेजुएशन एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, तो इसको अच्छे से ध्यान दें, इसके बाद अप्लाई करें। और जो मेन चीज़ है बताने की वो ये है कि एप्लीकेशन 25/12/2019 मतलब 25 दिसंबर यानी आज से इसका फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप इसको जल्दी से जल्दी फिल कर दें। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 12 जनवरी, तो आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, जल्दी से फॉर्म भर दें। जैसे ही उसका फिल करने का डेट आता है आप उसके 2-3 दिन के अंदर ही फॉर्म फिल कर दिया करें, क्योंकि लास्ट डे में बहुत ही ज़्यादा वो हो जाता है, साइट बिजी हो जाती है ना, नेट का इशू हो जाता है कुछ भी, तो आप लास्ट डेट के लिए ना बैठे रहें, पहले ही फॉर्म फिल कर दें। ओके, तो जो ये नोटिफिकेशन आया है जैसा मैंने बताया इसमें टोटल 73 सीट्स हैं और जो भी इसमें क्राइटेरिया दिया हुआ है वो 10th है एलिजिबिलिटी का। और रिजर्वेशन जैसा गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से दिया जाता है सारी जॉब में वही है, कोई भी अलग रूल नहीं यहाँ पर, और तो ऐसा कुछ इसमें एक्स्ट्रा है नहीं है। बस एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि जो 10th है वही इसको फिल करें, हायर क्वालिफिकेशन होगा तो उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो ओनली 10th, ओके, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए आपका। और बाकी एससी एसटी के लिए जो एज का रिलैक्सेशन होता है वो भी सारा गवर्नमेंट के रूल के अनुसार ही है जैसा उसमें दिया जाता है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसमें जो आपका प्री एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम होगा, ये दोनों होंगे। प्री में आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे और मेंस में भी 4 सब्जेक्ट्स होंगे। जो प्री के हैं वो उसमें रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जिसको जर्नल अवेयरनेस भी बोलते हैं, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसमें आपका मैथ आता है। तो ये 30-30 नंबर के होंगे और 30-30 क्वेश्चन ही होंगे, मतलब टोटल 120 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स, एंड इसके लिए आपको 19 मिनट्स मिलेंगे। मेंस में भी सेम प्रोसेस है, रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, जर्नल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें भी आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे, बट क्वेश्चन सारे रहेंगे 1-1 नंबर के ही, 35 रीजनिंग, 35 एप्टीट्यूड एंड 50 क्वेश्चन जीके एंड 35 इंग्लिश। तो मेंस में है वो जीके का जो वेटेज है वो थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मेंस में आपके लिए जीके आपको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी इसमें ऐसा और कुछ दिया नहीं है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही है। फॉर्म आपको जल्दी से फिल कर देना है और लास्ट डेट के लिए वेट नहीं करना है। तो फीस बताने वाला था, तो फीस जो है वो एप्लीकेशन फीस जो है वो 450 रुपीज़ है टोटल फीस, जितनी भी कैटेगरी है सभी के लिए, एक्सेप्ट एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एंड जो भी एक्स आर्मीज के वर्कर हैं उन सभी के लिए, बाकी जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और सभी के लिए 450 रुपीज़ है और उनके लिए 50 रुपीज़ है एसटी एसटी के लिए। ओके, तो थैंक यू, मिलते हैं न्यू नोटिफिकेशन के साथ। और एग्ज़ाम सेंटर की बात रही तो सभी का अपने अपने स्टेट में मिलेगा और यूपी के जो सेंटर होते हैं वो वहीं रहेंगे, जैसे आगरा मिल जाता है, अलीगढ़, प्रयागराज है ना, बरेली, गाजियाबाद, कानपुर, तो वही सारे, झांसी, लखनऊ, तो वही सारे रहेंगे। और थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।